हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि मार्च 2021 में होने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीलोस्कोप का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए नहीं किया जाता। पहला ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, दूसरा है पिक सिग्नल वोल्टेज, तीसरा है ऊर्जा और चौथा है वेव का आकार। तो हमारा सही ऑप्शन है ऊर्जा। ऑक्सीलोस्कोप का प्रयोग हम ऊर्जा को दर्शाने के लिए नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिप्लीशन मोड मॉस्फेट ऑप्शन ए केवल पॉजिटिव गेट वोल्टेज पर कार्य कर सकता है, ऑप्शन बी केवल नेगेटिव गेट वोल्टेज पर कार्य कर सकता है, ऑप्शन सी ओमिक क्षेत्र में काम नहीं कर सकता है, या ऑप्शन डी पॉजिटिव एवं नेगेटिव गेट वोल्टेज दोनों पर कार्य कर सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पॉजिटिव एवं नेगेटिव दोनों गेट वोल्टेज पर काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है SCR क्या है। SCR का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो SCR क्या है, ऑप्शन ए यूनिडायरेक्शनल स्विच, ऑप्शन बी बाईडायरेक्शनल स्विच, ऑप्शन सी फोर डायरेक्शनल स्विच, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए यूनिडायरेक्शनल स्विच। यह जो स्विच होता है फॉरवर्ड एवं रिवर्स दोनों डायरेक्शन में काम कर सकता है, इसलिए इसे यूनिडायरेक्शनल स्विच कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, JEFT का अर्थ है या फुल फॉर्म है, ऑप्शन ए जॉइंट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी जंक्शन फंक्शन इफेक्ट ट्रांजिस्टर, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। IGBT के तीन सिरे क्या होते हैं, ए बेस अमीटर और कलेक्टर, ऑप्शन बी गेट सोर्स और ड्रेन, ऑप्शन सी गेट अमीटर और कलेक्टर, ऑप्शन डी बेस सोर्स और ड्रेन। सही जवाब है ऑप्शन सी गेट अमीटर और कलेक्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉस्फेट के तीन सिरे क्या होते हैं, ऑप्शन ए कलेक्टर अमीटर बेस, ऑप्शन बी ड्रेन सोर्स बेस, ऑप्शन सी ड्रेन सोर्स गेट, या ऑप्शन डी कलेक्टर अमीटर और गेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ड्रेन सोर्स और गेट, जो है मॉस्फेट के तीन सिरे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, JFET है एक करंट नियंत्रण उपकरण, इसका इनपुट रेजिस्टेंस होता है, ऑप्शन बी इसका इनपुट रेजिस्टेंस कम होता है, ऑप्शन सी एक वोल्टेज नियंत्रण उपकरण है, या ऑप्शन डी हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वोल्टेज नियंत्रित उपकरण होता है। JFET जो होता है वह एक वोल्टेज नियंत्रित उपकरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपयुक्त में से बाईपोलर डिवाइस क्या है, IGBT ऑप्शन बी GTO, ऑप्शन सी A और B दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई। सही जवाब है ऑप्शन सी A और B जो होते हैं वह हमारे उपयुक्त पोलर डिवाइस होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंड गेट का आउटपुट लो होता है, ऑप्शन ए संपूर्ण समय, ऑप्शन बी यदि इनपुट निम्न है तो, ऑप्शन सी यदि इनपुट बहुत ज्यादा है तो, या ऑप्शन डी यदि सारे इनपुट उच्च हो तो। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, यदि इनपुट निम्न होगा तो हमारा जो एंड गेट है उसका आउटपुट भी निम्न होगा या लो होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक्स नॉर गेट का आउटपुट एक है तो उपयुक्त में से कौन सा इनपुट कॉम्बिनेशन सही है, A = 1 B = 0, या ऑप्शन बी A = 0 B = 1, या ऑप्शन सी A = 0 B = 0, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी A = 0 और B = 0, एक्स नॉर गेट का आउटपुट एक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0101 का तुल्यात्मक मान क्या है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, या ऑप्शन डी 8। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल एडर से क्या संदर्भ है, ऑप्शन ए सिक्वेंशियल सर्किट, ऑप्शन बी कॉम्बिनेशनल सर्किट, ऑप्शन सी कॉम्बिनेशनल सर्किट फीडबैक के साथ, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कॉम्बिनेशनल सर्किट जो होता है फुल एडर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक इमारतों या ऑफिस में आमतौर पर कौन सा सिस्टम लगाया जाता है, ऑप्शन ए क्लैट वायरिंग, ऑप्शन बी कैसिंग कैपिंग वायरिंग, ऑप्शन सी CTS वायरिंग, या ऑप्शन डी कंड्यूस्ड वायरिंग। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी कंड्यूस्ड वायरिंग का हम जो है सार्वजनिक इमारतों या ऑफिस में उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनरेटर से उत्पन्न होने वाला EMF डैश प्रभावित EMF है, ऑप्शन ए गतिहीन, ऑप्शन बी गतिशील, ऑप्शन सी मैग्नेटिकली, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोस्टैटिकली। हमारा सही जवाब है गतिशील। जो डीसी जनरेटर से EMF उत्पन्न होता है वह हमारा प्रत्यावर्ती धारा होता है, प्रत्यावर्ती के रूप में होता है, गतिशील होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्मेचर में आर्मेचर की क्या दिशा होती है,
वही जो जनरेटेड ईएमएफ की से होती है, ऑप्शन बी जनरेटेड ईएमएफ के विपरीत होती है, ऑप्शन सी यह आर्मेचर ईएमएफ की दिशा पर निर्भर नहीं करता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी जनरेटर ईएमएफ के विपरीत दिशा में होती है, जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अकॉर्डिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी मोटर सीरीज इलेक्ट्रिकल एक्शन के लिए सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि ऑप्शन ए शुरुआत, इससे शुरुआत के समय उच्च बल विकसित होता है, ऑप्शन बी यह बहुत तेज चलता है, ऑप्शन सी यह बहुत ज्यादा सस्ता है, या ऑप्शन डी या इंडक्शन मोटर की भांति बनावट में उबड़ खाबड़ आता है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, इसे शुरुआत के समय में उच्च बल विकसित होता है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वह अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में प्रयोग होने वाले कम्यूटेटर का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए करंट का संचयन, ऑप्शन बी घाटे को कम करना, लॉस को कम करना, ऑप्शन सी कार्य क्षमता या एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, या ऑप्शन डी एसी आर्मेचर करंट को डीसी में बदलने के लिए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी एसी आर्मेचर करंट को डीसी में बदलने के लिए हम कम्यूटेटर को उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीवीसी का फुल फॉर्म या पीवीसी का अर्थ है? ऑप्शन ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी पोस्ट वार्निश कंडक्टर, ऑप्शन सी पेस्ट एंड वार्निश क्लॉथ, या ऑप्शन डी पॉजिटिव वोल्टेज कंडक्टर। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए पॉलीविनाइल क्लोराइड हम पीवीसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी मशीन में इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके समानुपाती होता है? ऑप्शन ए केवल फील्ड फ्लक्स के, ऑप्शन बी आर्मेचर की गति से, ऑप्शन सी कंडक्टर की संख्या से, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि डीसी मशीन में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वह इन्हीं सब पर सब तीनों उपरोक्त तीनों पॉइंट्स के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन का योग किससे बना होता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी कास्ट आयरन, ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी कास्ट आयरन, क्योंकि कास्ट आयरन बहुत अधिक मजबूत धातु होती है, इसलिए डीसी मशीन के योग को कास्ट आयरन से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अलग से उद्दीपित डीसी जनरेटर का फील्ड किससे जुड़ा होता है? ऑप्शन ए आर्मेचर के सतह एक सीरीज में, ऑप्शन बी आर्मेचर के आर पार, ऑप्शन बी बाहरी सप्लाई सोर्स से, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बाहरी सप्लाई सोर्स से हम उद्दीपित डीसी जनरेटर की फील्ड वायरिंग फील्ड को जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्क वेल्डिंग में इनमें से कौन सा जनरेटर प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए शंट जनरेटर, ऑप्शन बी सीरीज जनरेटर, ऑप्शन सी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, या ऑप्शन डी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग हम आर्क वेल्डिंग मशीन में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर के आर्मेचर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए भार कम करने के लिए, ऑप्शन बी इंडक्टर को कम करने के लिए, ऑप्शन सी एडी करंट के घाटे को कम करने के लिए, ऑप्शन डी हिस्टेरिसिस घाटे को कम करने के लिए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी एडी करंट को कम करने के लिए हम डीसी मोटरों के आर्मेचर को लेमिनेटेड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेव बाउंड आर्मेचर के समांतर पथों की संख्या क्या होती है? ऑप्शन ए मशीन में जितने पोल होते हैं उतने ही, ऑप्शन बी दो के बराबर पोल की गिनती पर निर्भर नहीं करता, ऑप्शन सी कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या के बराबर, या ऑप्शन डी आर्मेचर कंडक्टर की संख्या के बराबर। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी दो के बराबर पोल की गिनती पर निर्भर नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर की गति बढ़ाने पर क्या होता है? ऑप्शन ए बैक ईएमएफ बढ़ जाता है किंतु लाइन करंट घट जाता है, ऑप्शन बी बैक ईएमएफ घट जाता है किंतु लाइन करंट बढ़ जाता है, ऑप्शन सी बैक ईएमएफ और लाइन करंट दोनों बढ़ जाते हैं, या ऑप्शन डी बैक ईएमएफ और लाइन करंट दोनों घट जाते हैं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए बैक ईएमएफ बढ़ जाता है किंतु लाइन का करंट जो होता है वह घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन डोल स्टार्टर जो होता है बड़ी डीसी मोटर चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए संभव है कि मोटर अलग चलना शुरू कर दे, ऑप्शन बी शुरुआत में बल कम हो जाता है, ऑप्शन सी संभव है कि मोटर शुरू ना हो, या ऑप्शन डी शुरुआत का करंट बहुत ज्यादा होगा। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, क्योंकि शुरुआत का करंट बहुत ज्यादा होता है इसलिए हम डोल स्टार्टर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर के परिक्रमण की दिशा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ऑप्शन ए एम्पियर लॉ, ऑप्शन बी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का रूल, ऑप्शन सी फ्लेमिंग राइट हैंड का रूल, या ऑप्शन डी लेंज रॉ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड के रूल्स के अकॉर्डिंग हम डीसी मोटर की परिक्रमण की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि डीसी मोटर का आर्मेचर घूमता है तो ईएमएफ कैसे प्रभावित होता है? ऑप्शन ए स्वयं प्रभावित होता है, ऑप्शन बी बैक ईएमएफ प्रभावित होता है, ऑप्शन सी म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी बैक ईएमएफ जो है
वह प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी मशीन की कार्य क्षमता महत्तम कब होती है? ऑप्शन ए आयरन लॉस जब मैकेनिकल लॉस के समान होता है, ऑप्शन बी वेरिएबल लॉस यदि कांस्टेंट लॉस जितना हो, कांस्टेंट लॉस यदि फील्ड कॉपर लॉस के जितना हो, या ऑप्शन डी स्ट्रे लॉस यदि कॉपर लॉस जितना हो। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी वेरिएबल लॉस यदि कांस्टेंट लॉस के जितना होता है तो डीसी मशीन की कार्य क्षमता महत्तम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुरू करने के लिए यदि शुरुआत में बड़ी डीसी मोटर का प्रयोग न किया जाए तो ऐसा करंट खींचा जाएगा जो ऑप्शन ए संभवतः कम्यूटेटर और आर्मेचर को नुकसान कर सकता है, ऑप्शन बी फुल लोड करंट से भी कहीं ज्यादा गुना होगा, ऑप्शन सी लाइन पर अत्यधिक वोल्टेज ड्रॉप प्राप्त होगा, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल लोड रेंज में इनमें से कौन सी डीसी मोटर की गति स्थिर होती है? ऑप्शन ए सीरीज मोटर की, ऑप्शन बी शंट मोटर, ऑप्शन सी कंपाउंड, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी शंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए, ऑप्शन बी डीसी को एसी में बदलने के लिए, ऑप्शन सी डीसी वोल्टेज को बढ़ाने अथवा घटाने के लिए, या ऑप्शन डी एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर के बिदर में क्या भरा हुआ होता है? ऑप्शन ए सिलिका जेल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी SF6, या ऑप्शन डी मिनरल ऑयल। तो हमारा सही जवाब है सिलिका जेल। ट्रांसफार्मर का जो ब्रीदर होता है उसमें सिलिका जेल भरा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर की कोर किससे बनी होती है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी सिलिकॉन स्टील। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी सिलिकॉन स्टील। तो जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है वह सिलिकॉन स्टील से बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर के लिए कौन सी स्थिति महत्तम कार्य क्षमता की होती है? ऑप्शन ए हिस्टेरिसिस लॉस बराबर एड्डी करंट लॉस, ऑप्शन बी कोर लॉस बराबर हिस्टेरिसिस लॉस, ऑप्शन सी तांबे में लॉस बराबर आयरन में लॉस, या ऑप्शन डी टोटल लॉस बराबर 2/3 कॉपर में लॉस। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी तांबे में लॉस बराबर आयरन में लॉस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक का क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए तेल के माप का संचालन करना, ऑप्शन बी तेल के माप को बढ़ाना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब ए और बी दोनों, तेल के माप का संचालन करना और तेल के माप को बढ़ाना ही हमारा कंजर्वेटर टैंक का काम होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से क्या है जो ट्रांसफार्मर में नहीं बदलता है? ऑप्शन ए करंट, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ट्रांसफार्मर में हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, करंट और वोल्टेज अप या डाउन हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का एक सामान्य तरीका है ए नेचुरल एयर कूलिंग, ऑप्शन बी एयर ब्लास्ट कूलिंग, ऑप्शन सी ऑयल कूलिंग, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी ऑयल कूलिंग के द्वारा हम ट्रांसफार्मर को ठंडा कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए उसे आंतरिक दोष से बचाने का कार्य करता है, ऑप्शन बी कॉपर और कोर दोनों के लॉस को कम करने का कार्य करता है, ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर के तेल को ठंडा करने का कार्य करता है, या ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर के तेल का के विस्तार और संकुचन का ध्यान रखता है क्योंकि वातावरण में तापमान बदलता रहता है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर के तेल का विस्तरण और संकुचन का ध्यान रखता है। तो कंजर्वेटर का कार्य है ट्रांसफार्मर के तेल का विस्तरण और संकुचन का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुछोल जो रिले पर सावधानियां और सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर के अंदर और इलेक्ट्रिक डिफॉल्ट पर, ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर के बाहर आउटगोइंग फीडर में यदि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो, ऑप्शन सी बाहरी और आंतरिक दोनों फॉल्ट के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर के अंदर इलेक्ट्रिक डिफॉल्ट पर जो है बकोल रिले सावधानी और सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या कार्य है? ऑप्शन ए रिड्यूस्ड लोड के अंदर ऑक्सीजन का प्रबंधन करना, ऑप्शन बी रिड्यूस्ड लोड के समय तेल को ठंडा करने के लिए, ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर के तेल को ठंडा करना, या ऑप्शन डी बाहर की हवा अंदर आते समय नमी को ट्रांसफार्मर के अंदर आने से रोकना। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, बाहर की हवा अंदर आते समय जो नमी आती है ट्रांसफार्मर के अंदर उसको रोकने का कार्य ब्रीदर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड यदि 20 टर्न है और उसका वोल्टेज रेशियो 220 से 210 वोल्ट है तो सेकेंडरी में टर्न होंगे 110, 220, ऑप्शन सी 10, या ऑप्शन डी 20। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी 10।
क्योंकि जितने भी टर्न होते हैं प्राइमरी साइड में टर्न होते हैं उसको हम हाफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य परिचालन व्यवस्था में कौन से ट्रांसफार्मर के सहायक को लगभग शॉर्ट सर्किट किया जाता है? ऑप्शन ए सीटी, ऑप्शन बी पीटी, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या ऑप्शन डी पावर ट्रांसफार्मर। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए सीटी, ट्रांसफार्मर को हम शॉर्ट सर्किट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा उपकरण तत्कालिक मान को दर्शाता है जब विद्युत धारा का मान मापन किया जा रहा हो? ऑप्शन ए एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन बी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन सी रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट या ऑप्शन डी इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो हमारा सही जवाब है जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वह विद्युत धारा के मान को बिल्कुल तात्कालिक दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान एक ऐसा उपकरण है जो पृथ्वी और अपने सापेक्षिक को इलेक्ट्रिक सर्किट के इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापता है। ऑप्शन ए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी मेगर, ऑप्शन सी करंट ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है मेगर। कूलिंग आयरन का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल डीसी, ऑप्शन बी केवल एसी, ऑप्शन सी एसी एवं डीसी दोनों या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है जो मूविंग आयरन होता है उसका उपयोग जो हम एसी और डीसी दोनों के रूप में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा की इकाई क्या है? ऑप्शन ए किलोवाट, ऑप्शन बी केवीए, ऑप्शन सी केवीआर, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है किलोवाट हावर। विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है वह किलोवाट हावर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमानेंट मूविंग कॉइल उपकरण में डैम्पिंग टॉर्क किस चीज से उपलब्ध होता है? ऑप्शन ए एयर फ्रिक्शन, ऑप्शन बी एडी करंट, ऑप्शन सी फ्लूइड फ्रिक्शन या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी एडी करंट। एडी करंट के द्वारा परमानेंट मूविंग कॉइल में डेंटिंग टॉर्क उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीटर सर्किट को खालिस्तान में जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए सीरीज, ऑप्शन बी समानांतर, ऑप्शन सी सीरीज या फिर समानांतर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए सीरीज। अमीटर सर्किट को हम सीरीज में जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।